नमस्कार, आप सुने रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरी ये कहानी महिलाओं की अंतर मन की व्यथा को उजागर करती है। महिलाएं क्या सोचती है, महिलाओं के मन में मोक्ष, ज्ञान, इसके अलावे बहुत सारी बातों को मैंने इस कहानी में बताने की कोशिश की है। महिलाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं और अपनी बातों को वो सभी के सामने कह नहीं पाती। अपने मन के जख्म को, अपने मन की तकलीफ़ को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाती और वो हर किसी की बात को सहती है। सभी महिलाएं इस तरह की नहीं होती है, पर कुछ महिलाएं होती हैं। महिला है वो नारी का नौ रूप है, तो नौ रूप में एक ये भी रूप है कि कुछ महिलाएं सहनशील होती हैं और सहती हैं, कुछ महिलाएं में तेज होता है, वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो जो नारी के नौ रूप हैं, सारे रूप महिलाओं के अंदर समाहित हैं। एक महिला अपने अंदर नारी के नौ रूप को लेके जीती है और कौन सा रूप किस समय उजागर होगा ये खुद भी महिला नहीं जानती। लेकिन अक्सर महिलाएं जो है वो अपने अंदर घुटती हैं, टूटती हैं, लेकिन अपनी व्यथा नहीं बताती। लेकिन वो अंदर अंदर कुछ ऐसा निर्णय करती हैं कि अपने जीवन का मार्ग भी चुन लेती हैं। मेरी कहानी मुक्ति की, मुक्त होने की कहानी है और मैं ये कहानी आप सभी को सुनाना पसंद करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी श्रोताओं को मेरी कहानी अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए मैं अपनी कहानी मुक्ति की ओर लिए चलती हूँ आपको। मुक्ति, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? संसार में हो, घर की गृहस्थी भी संभाल रही हो, पर तुम्हारी आंखें भाव शून्य क्यों हैं? जैसे कि उसमें जीवन का कोई रस नहीं है। तुम्हारे शब्दों से वैराग्य का भाव दृष्टिगोचर हो रहा है मुक्ति। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, प्लीज बता ना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं अदिति, ये तेरा भ्रम है, मुक्ति कहती है। देख रही है ना मुझे, मैं कितनी खुश हूँ। ईश्वर ने मुझे झोली भर के खुशियाँ दी है सखी, ये तुम्हारा भ्रम है, मुक्ति कहती है। पर तेरे कमरे में ये दार्शनिकों की पुस्तकें क्या कर रही है? अरविंदो के दर्शन, उसके बाद में विवेकानंद और सारे बहुत सारे साधकों के पुस्तकें जो हैं वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? कहीं सन्यासिनी बनने का तो ख्याल नहीं? अदिति कहती है। धत, ये क्या कह रही हो? मुक्ति कहती है। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, ये संभव नहीं है। अदिति, आज़ादी के पहले संभव था, जिस समय गुरु और सन्यासिनी को लोग पूज्य दृष्टि से देखते थे। चाह कर भी महिलाएं वैराग्य और त्याग नहीं कर सकती अदिति, महिलाओं की यही विडंबना है, वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती। गृहस्थी के जीवन से वो मुक्त नहीं हो सकती। और जानती हो अदिति, ये जो हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर ही हमारे मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है सखी, अदिति को कहती है मुक्ति। पर उसकी आंख बता रहे थे कि उसका संसार भले ही उसका शरीर संसार में है, पर उसका मन अध्यात्म के महासागर में गोते लगा रहा है। मुक्ति अदिति से कहती है, अदिति, हम महिलाएं जिनके लिए संसार के मोह में पड़े रहते हैं वो काल्पनिक दुनिया है, कोई हमारी मन को छूने की कोशिश नहीं करता है। अदिति, हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हर वक्त हम पिता, भाई, पति और बेटे के अनुसार ही चलते हैं। हमारा अपना अस्तित्व कहीं भी नहीं है। ये मैं नहीं कहती कि हर एक महिलाओं का यही हाल है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने पति को अपने अनुसार चलाती है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। यहाँ हर रिश्ता अपनी असली चेहरा को केचुली में ढके रहता है मुख अदिति, जब तुम परेशान होगी ना तो लोग कहेंगे तुम सेंसिटिव हो, इतना सोचो मत, पागल हो गई हो।
ये जीवन का कटु सत्य है अदिति, हम महिलाएं भ्रम में जीती हैं और हम ये सोचते हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, मेरे फला ढेका सब कोई। शादी के पहले सब रिश्ते एक खुशनुमा एक सुंदर फूल की तरह लगता था, जिसमें कि रिश्ते से मधुर खुशबू आ रही हो, लेकिन शादी के बाद सारे रिश्ते बदल जाते हैं। दोनों सहेलियां गप्पे मार रही थी, पर अदिति जानती थी कि मुक्ति के अंदर शायद गृह त्याग का भाव आ गया है और वो डर जाती है। कुछ दिन बाद मुक्ति के पति अम्मी स्मित्रा का फोन आता है और पता चलता है कि मुक्ति घर छोड़ चुकी थी। और अम्मी स्मित्रा कहते हैं कि अदिति ने घर छोड़ दिया, सॉरी मुक्ति ने घर छोड़ दिया अदिति, वो पहले से ही दीक्षा ली थी गुरु मंत्र का, पर हम नहीं जानते थे कि वहाँ जाकर वो साधिका बन जाएगी, प्लीज अदिति उसे समझा कर लाओ, मुक्ति के पति कहते हैं। तब अदिति कहती है, जीजा जी जिस पथ पर गई है वो वहाँ से लौटना मुश्किल है उसका, क्योंकि कितना लड़ी होगी मोह से मुक्ति के लिए ये आप नहीं समझ सकते। अब आप फ्री हैं अपने अनुसार जीवन यापन करने के लिए जिया जी, आपके लिए आपके समस्त परिवार हैं, वही आपके खुशी के साधन हैं, उन्हीं के साथ खुश रहिए। तंग आ चुकी थी जीवन से संसार से, मुक्ति ने संसार के दुख से दुखी होकर गृह नहीं त्याग किया जिया जी, बल्कि अपने मन की शांति के लिए घर को त्यागा है। अगर मोह खींचेगा तो अवश्य आ जाएगी, पर जीजा जी अभी मुक्ति को छोड़ दे, मुक्ति की आत्मा को मन को उन्मुक्त गगन में उड़ने दे, वो थक गई है उसे उड़ने दे, उसे शांति की आवश्यकता है जिया जी, उसे शांति की आवश्यकता है। और यहीं पे मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ, और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जल बचाएं, बच्चों को सिखाएं, पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। जय हिंद, जय भारत।